ये शादी में ना टोटल मुझे धोखा मिला है। मतलब अगर किसी रिलेटिव ने साड़ी भी दी है ना तो इसकी माँ ने वो भी गायब कर दी। आराम है जब घर बा फिर काहे का डर बा। वो डिसाइड करेंगे कि मुझे, मेरी सास डिसाइड करेगी मुझे बच्चा कब करना चाहिए, मेरी सास डिसाइड करेगी मुझे कि मुझे एक्टिंग करनी है कि नहीं करनी है, वो डिसाइड करेगी मेरे को कौन से रिलेटिव से रखना है कि नहीं रखना है, वो डिसाइड करेगी कि बिल्डिंग में मैं जाऊँ कि मैं नहीं जाऊँ। मतलब मैं वहाँ हाउस अरेस्ट थी, इसलिए मैं भाग भाग के बॉम्बे आ जाती थी वापस। इसको तो लाया गया था कि ये पॉलिटिक्स करेगी या ये बड़े पैसा अपने दोस्तों से लेकर आएगी, बिजनेस शुरू करेगी, बट दे वॉन्टेड टू स्टार्ट बिजनेस ऑन माई नेम। जबकि प्रवीण की माँ, बिकॉज शी वॉज इन महिला आयोग बीजेपी, उनका ये था कि सारी प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो मेरे नाम पे करो, ताकि अगर डिवोर्स तुम्हारा होता है तो तुमको प्रॉपर्टी मेरे नाम पे रहेगी, तो तुम्हारे नाम पे कुछ है नहीं, तो तुमको आधा उसमें से बीबी को देना नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा पहले भी तुम्हारी एक सगाई टूटी, एक शादी टूट रही है, इसलिए नहीं मैं तो डिवोर्स दूंगा ही नहीं, और तुमको डिवोर्स चाहिए तो तुमको कोर्ट जाना पड़ेगा, तुमको मेंटेनेंस चाहिए तो कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन इतना याद रखना कि मेंटेनेंस तुम जैसे ही कोर्ट में मेंटेनेंस अप्लाई करोगी मैं नौकरी छोड़ के बैठ जाऊँगा, तो जब मैं कमाऊँगा नहीं तो फिर मैं तुमको कहाँ से पैसे दूँगा। ये बहुत क्लियरली उसने मुझे बोला है, उसने मुझे बहुत क्लियरली बोला है कि वो 8 से 9 साल कम से कम ये केसेस खींचेगा, वो मुझे इतने आसानी से छोड़ेगा भी। कुछ तो है भगवान का, मेरी कुलदेवी दुर्गा जी, आई डोंट नो क्या है, मतलब मुझे कुछ तो है जो मैं घर भी संभाल रही हूँ, मैं साथ साथ काम के लिए भी लोगों से मिल रही हूँ, मैं पुलिस स्टेशन भी 3-3 महीना जाके बैठी हूँ, मैं कोर्ट भी जा रही हूँ, मैं लॉयर से भी मिल रही हूँ, मैं आप लोगों से भी मिल रही हूँ, मैं घर भी देख रही हूँ, एक देर सम एनर्जी जो मुझे मेरे साथ में है। कि पता चला कि मेरा लीवर डैमेज होने पे बिकॉज ऑफ माय वेट और मैं प्री डायबिटिक हो गई हूँ, तो तब 43,000 रुपीज़ का कुछ मेरा मेडिकल का एक्सपेंस आया था, जिसमें कुछ अमाउंट उसने दिया था और बाकी उसने अमाउंट नहीं दिया था, एंड ही रिफ्यूज, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो फिर मैंने फिर ज्वेलरी बेचा तब अपना। सो दिस इज़ हाउ मैं कर रही हूँ, बट आई एम श्योर बहुत जल्दी मैं इस सब चीज़ से भी बाहर निकल जाऊँगी। मुझे लगता है इंडिया में ना हम वो सनातन धर्म की बात करते हैं, हम ये सब बात करते हैं, बट व्हेन यू मीट सच फैमिली ना ऐसा लगता है कि ना हमें प्री नेचुरल करके शादी करनी चाहिए, सब चीज़ राइटिंग में लिख के लो, यू नो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आप बोलते हो एक मुस्लिम लड़का जब एक हिंदू लड़की को धोखा देता है तो वो लव जिहाद होता है, तो उसके लिए कानून क्यों नहीं है जब एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की को धोखा देता है, तो फिर ये लव जिहाद नहीं हुआ क्या, इसके लिए क्यों नहीं कानून है। I'm sorry, I'm so emotional right now and thank you, thanks, मैं तब बोल नहीं पा रही हूँ मैं, but हेलो दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हो फिल्मी बीट। बल आज हमारे साथ हैं, आप सब की कहीं ना कहीं चही थी और आपने इनको देखा होगा आपके बचपन में, या फिर बात करो तो अगर आप देखते होगे तो आप इनको पहचानते हो, इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है जिसके बारे में आज वो हमारे साथ आई हैं खुल के बात करने के लिए। आप सबने सुना होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस तो होता है, लेकिन अब उनके साथ क्या कुछ हुई है उनकी आप बीती सुरभि बताएंगी उनकी ज़ुबानी। सबसे पहले वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग टाइम एंड कमिंग हियर। एग्जैक्टली, वेल जिस तरीके से हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात होती है तो इसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक तरफ लोग कहते हैं ये थोड़ा सिंपथी गेन है और दूसरी तरफ ये कहते हैं अगर हो रहा था तो इतने पहले से क्यों नहीं बताया, चुप्पी क्यों रखी थी, एंड फाइनली अब आप डिवोर्स ले रही हो तो क्या कुछ, आज आप कोर्ट भी गए थे इनफैक्ट, तो क्या कुछ हुआ है पूरे मैटर को अगर छोटे में समराइज करना है तो कैसे बताओगे? देखिए, ये शादी में ना टोटल मुझे धोखा मिला है, और ये बहुत ही प्लान्ड शादी थी उनकी तरफ से, जहाँ वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे, उनको बहू या नाती पोता उनको कोई ये सब चीज़ का शौक ही नहीं है, कुछ नहीं है। सो एवरीथिंग उस परिवार के लिए, सिन्हा फैमिली के लिए हर चीज़ पैसा है। बस मतलब ना रिलेटिव से उनकी बढ़ती है, ना कोई नेबर है, कुछ नहीं लाइफ में, सिर्फ घर में बैठो एंड स्क्रैच योर हेड कि बड़ा पैसा कैसे कमाना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स करके हो या कोई बड़ा बिजनेस करके हो, यू नो, तो बस सारा दिन उनके यही चलता रहता है घर में कि बड़ा पैसा कैसे बनाना है, और कोई दुनियादारी से, कोई समाज से, कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सबसे कट ऑफ हुए हैं लोग। बट मुझे शादी के पहले ये नहीं बताया गया बिल्कुल भी, नहीं तो ऐसे परिवार में कौन शादी करता था, यू नो, तो मुझे तो ये बोला कि हम बहुत ही एजुकेटेड फैमिली हैं हम, और मैं पायलट हूँ, श्वेता मनीष सिन्हा का भी हो रहा है, प्रवीण के मतलब ये 2 नंबर बेटी है मेरी सास की,
एंड उसके बाद में फिर शिल्पा ब्रजेंद्र प्रसाद सिन्हा वो भी कोर्स कर रही है इसका, CPL कर रही है, उसका राइटिंग एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। तो हम लोग बहुत ही एजुकेटेड फैमिली हैं एंड वी आर ग्लोबल सिटीजन ब्ला 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 ये सब बोला गया। बट सी मैं बहुत क्लियर थी डे वन से, लाइक मेरा फर्स्ट फ़ोन कॉल जो हुआ था, मैंने प्रवीण को सीधा बोला था कि देखो मैं बॉम्बे क्यों, मेरा करियर बॉम्बे पे है और मैं किसी भी लिहाज से अपने पैरों पे खड़ी रहूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ये शादी चलेगी कैसे, बिकॉज तुम तो दिल्ली में हो। तो ये सर नहीं नहीं मैं तो दिल्ली का भी नहीं हूँ, मैं तो आरा में पैदा हुआ, इनिशियल 8-9 साल आरा में रहा, फिर हम पटना शिफ्ट हुए और फिर बाद में फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट वी शिफ्टेड टू दिल्ली। तो मैं तो यहाँ दिल्ली का भी नहीं हूँ, मैं तो वहाँ का हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं और उनमें से एक दो से मैं मिली भी थी, वो लोग इनफैक्ट अंधेरी में ही रहते हैं वो लोग, बिकॉज एयरपोर्ट इज़ क्लोज बाय, और वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए। प्रवीण की सगी बुआ बॉम्बे रहती है, उसके कज़न की गुजराती लड़की से लव मैरिज हुआ है, तो ऐसा नहीं कि नहीं है लोग फैमिली उसके घर में। तो इसे मैं तो शिफ्ट हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बेसिस पे पहले ही ठोक बजा के कि वो बॉम्बे शिफ्ट होगा, तब मैंने कहा ठीक है फिर तो आगे मिलो, अदरवाइज़ कोई मतलब ही नहीं मिलने का देन, यू नो। फिर एंड ही सेड कि नहीं नहीं मैं तो अपना घर लूँगा, लोखंड वाला ही रहते हैं, तुम्हारे लिए भी इजी रहेगा, मेरे लिए भी इजी रहेगा, और मैं थोड़ी ना घर दामाद बनूँगा, मैं तो अपनी बीवी को अपने घर में रखूँगा, और तुमको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने इतने 93 से तुम काम ही कर रहे हो, तो तुम अभी चिल मारो, थोड़ा सा मूवीज़ करो, वेब सीरीज़ करो, तुम्हें कोई कमा के लाने का कोई मैं प्रेशर नहीं दूँगा। और उल्टा वो चाहते थे कि प्रवीण भी नौकरी छोड़ के बैठ जाए, और मैं क्योंकि उसकी माँ टोटल फेलियर रही है पॉलिटिक्स में, 2010 में मायावती की पार्टी से उन्होंने MLA के लिए लड़ा था इलेक्शन, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड बांकीपुर इन पटना, वहाँ से 500 वोट भी नहीं आए उनको, 495 वोट्स आए। उसके बाद वो पार्टी छोड़ के वो पासवान जी की पार्टी में थी, 2 साल वहाँ थी, वहाँ पर भी उनको कोई टिकट नहीं मिला, उनका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से वो BJP में है, बट यहाँ पर भी उनको कोई बहुत ऐसा कुछ टिकट विकेट नहीं मिल रहा है। सी यार, वो इतना बड़ा देश चला रहे BJP, दे नो एग्जैक्टली कि किसको कौन, एक होता है पैसे तो लगते ही हैं क्योंकि इतना प्रचार करना होता है, पैसे तो लगते हैं, बट पैसे से सब कुछ नहीं होता ना, वो इंसान सीट भी तो निकालनी चाहिए, आप में दम देखेगा तो पार्टी आपको टिकट देगी ना। तो वो दम तो उनको जब मेरे घर में यहाँ बैठी थी तभी उनको देख के पता चल रहा था कि ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी, बट हम लोग को था कि लड़का इज सेटल्ड, लड़का एजुकेटेड है, पायलट है एंड बॉम्बे शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो हमने उसकी मॉम का इतना, हम लोग को पता ही नहीं था कि ये लोग इतने ज़्यादा, ये सारी चीज़ें द डे सुशांत सिंह राजपूत डाइड, बेचारा मैं इनके कोई रिलेटिव से बात कर रही थी, मैं नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज ये लोग उसका जान खा जाएंगे, तो उन्होंने मुझे सब ये सारा डिटेल बताया कि ये तो बहुत डेस्परेट है और ये तो बहुत सालों से कर रही है ये। और तब मैं शॉक थी कि मुझे ये भी नहीं बताया गया कि BJP के महिला आयोग जो होता है उसमें भी शी इज़ ऑन द वन ऑफ द पोजिशन। तो अब मैं सोच रही थी कि इतना कानूनी दाव पे जिस औरत को कैसे पता है, हाउ शी नोज, उसको पता है कि अगर हमने बहू को सोना दे दिया तो ये स्त्रीधन हो जाएगा और ये कभी लौट के नहीं आएगा, तो इसलिए जानबूझ के उन्होंने मुझे 18 कैरेट में सोना दिया, वहाँ पे भी बचा लो। रिलेटिव्स, जैसे मेरे रिलेटिव्स ने प्रवीण को वॉट एवर जो भी गोल्ड देना था, तो हमने बारात में तो नीचे शादी हो गई ना, वहीं मंडप में प्रवीण को बैठाया, रिलेटिव्स को बैठाया, और जो भी जिसको जो देना था उन्होंने डायरेक्टली प्रवीण को दिया, हमने कुछ भी रखा नहीं मीडिएटर की तरह। लेकिन इसकी मॉम ने क्या किया, बिकॉज शी नोज कि वो स्त्रीधन हो जाएगा, फगेट सोना तो बहुत दूर की बात है, मतलब अगर किसी रिलेटिव ने साड़ी भी दी है ना तो इसकी माँ ने वो भी गायब कर दिया। एंड दिस इज़ व्हेन ड्यूरिंग द सेकेंड लॉकडाउन व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द रिलेटिव्स, तब मुझे मालूम पड़ा कि अरे हमने तो तुमको साड़ी दी थी, ये रंग की साड़ी थी। मैंने कहा साड़ी कौन सी साड़ी, काय की साड़ी, कौन सा कलर, आई हैव नो आइडिया। मैंने कहा मुझ तक वो पहुँचा ही नहीं है। बोले क्या बात करो, तुमको दिया, प्रवीण को वॉलेट दिया, वॉट एवर, जो प्रवीण को गिफ्ट दिया तो प्रवीण तो यूज़ कर रहा है वो। तो मैंने कहा हाँ वो प्रवीण को दे दिया होगा इन लोगों ने, बट इन लोगों ने साड़ी वाड़ी गायब कर दी। सो मैं वो जो लीचड़गिरी जो है ना, वो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू द रिलेटिव्स, वो दोस्तों से इसके सब जब बात करना शुरू किए, जब रिलेटिव से बात करना शुरू किए, तब इनकी लीचड़ ही सब बाहर निकल के आने लग गई। ऑल थ्री वुमन्स, लीलावती सिन्हा जो प्रवीण की मम्मी है, देन श्वेता मनीष सिन्हा, शादी हो गई अभी उसकी, एंड शिल्पा सिन्हा,
तब पता चला कि इतना सब कुछ घर के में हो रहा था और मुझे यहाँ कुछ पता नहीं। अगर मैं रिलेटिव से नहीं बात करती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इन लोगों ने इतने कांड किए हुए। और यही रीज़न था कि रिश्तेदारों से मुझे बात करना अलाउड नहीं था। मतलब किसी ने फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज भी भेजा ना तो डोंट बी इन टच विद देम, इनके साथ संबंध नहीं रखना है। और इनको पता नहीं कि रिसेप्शन के बाद में ही जो दो चार रिलेटिव्स आए थे वो ऑलरेडी मेरे फेसबुक फ्रेंड बन चुके थे। और मैं भी इतने शादी के हौच-पौच में उनको लोगों को बताना भूल गई कि अरे ये तो ऑलरेडी मेरे फेसबुक पे है, इसके कुछ फ्रेंड्स भी मेरे फेसबुक पे फ्रेंड्स बन गए थे। तो दैट्स वाई वो डिस्टेंस रखा इन लोगों ने कि दोस्तों से भी नहीं मिलने दो इसको, रिलेटिव से भी नहीं मिलना है, किसी से बात नहीं करनी है, बिकॉज रिलेटिव्स हमारा सारा ड्रॉबैक इसको। वो लोग मुझे डराते थे कि हमारा तो नक्सलियों के साथ उठना बैठना है, हमारे तो एक चाचा जो है वो उन्होंने वो तो मर्डर वर्डर करवा देते, उनकी तो इतनी पहचान है, तुझे तो मार के हम काट देंगे प्रवीण, कहाँ जाएगी तुमको तो पता नहीं चलेगा। एंड हमारा तो डायलॉग था उनका, आरा में जब घर बा फिर काहे का डर बा, बिकॉज आरा इज़ अ नक्सली क्षेत्र और वहाँ से ज़्यादातर मिनिस्टर्स भी आरा के ही होते हैं ज़्यादातर बिहार में। तो ये सब मुझे ना डराया जाता था। फिर फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, ऐसे अब ना थोड़ा घुसना पड़ेगा फैमिली में, मैं पता तो लगाऊँ कौन से इसके चाचा हैं जो मेरा मर्डर करवा देंगे। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द फैमिली, और फैमिली से जब मैंने बात की तो पता चला कि भाई परिवार तो बहुत सॉर्टेड है। यहाँ तक कि प्रवीण के दादाजी दो भाई हैं, मतलब पास पास में ही घर है, एक ऐसा घर है, एक ऐसा घर है, एक ऐसा बगल में ही है। और सबकी फैमिली के सारे बच्चों, लड़की हो या लड़का हो, सबके टाइम पे एजुकेशन हुई है, सबकी शादी टाइम पे हुई है, एंड एवरीवन इज़ अपर मिडिल क्लास, डूइंग डिसेंट इन देयर, कुछ कुछ तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और मैंने कहा यार मेरे को तो फैमिली में सबको पूछा थी, मैंने कहा कौन है वो चाचा जी, कोई है आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है क्या? बोले कौन बोला यार, हमारे तो किसी का मर्डर वर्डर तो बहुत दूर की बात है, हम लोग बहुत ही बेसिक लोग हैं। तो बोले कि नहीं बेटा ये तुमको ना जानबूझ के ऐसे बोल रहे डराने के लिए, ताकि वो जैसा चाहते तुम वैसा करो। एंड जब आपने फिर आपकी फैमिली को ये बताया तो फैमिली से किस तरीके का रिएक्शन था, उनसे क्या सपोर्ट मिला, उनका क्या कहना था? फैमिली इज़, मेरी माँ ने इससे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस सहा है उस टाइम पे, जो उस लेवल का जो होता था ना, तो उनको लगता है कि दिस इज़ नथिंग, कोई बात नहीं है, ये शादी नहीं टूटे, लेट शादी हुई है अभी, और उसको समझाओ कि बच्चे करने चाहिए एंड ऑल दैट। बट मेन शादी टूटने का इस रीज़न इज़ कि बच्चा नहीं करना है उनको। मेरी मॉम नहीं समझ रही कि मैं ये सोच रही थी कि चलो एक ना प्रवीण को मेरे साथ इमोशंस नहीं है, बट एक फैमिली हो जाएगी तो इमोशंस आएगा, बट उसकी माँ बच्चा होने ही नहीं दे रही है। मतलब मैंने शर्म छोड़ के अपनी सास को फ़ोन किया है कि भाई मैंने अपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, हालांकि वो मुझे पैसे नहीं देते थे, मैं संस्था के हॉस्पिटल में जाके मैंने टेस्ट करवाए हैं, बट मैंने करवाए अपने सारे टेस्ट, आफ्टर अ पॉइंट मैं फॉलिकल स्टडी कर रही थी रेगुलरली। बट मैंने फिर उसी सेट की नहीं नहीं हमारे घर में सबको बच्चा हुआ है, प्रवीण में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बॉस मैंने तो आपको कुंडली दी थी प्रवीण की पहले शादी के पहले कि प्रवीण में पितृदोष है भयंकर, प्रवीण में नाड़ी दोष है। तो थोड़ा बैक ऑफ द माइंड मेरे वो था कि मुझे लगा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं यार, कोई नहीं स्पर्म काउंट टेस्ट हो जाएगा, इतना हम IUI IVF देख रहे हैं, सरोगेसी देख रहे हैं। सी आई एम अ साउथ बॉम्बे गर्ल, मेरी सोच काफ़ी ब्रॉड है। मैंने कहा, मैंने इसकी मॉम को ये भी बोला था कि इसको इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा ना मम्मी, कोई बात नहीं हम डोनर्स स्पर्म ले लेंगे, लोग एक दूसरे का लेते हैं, स्पर्म किसी और का लेते हैं और उसके बाद में भी सरोगेसी होती है, लोग क्या नहीं कर रहे हैं बच्चा करने के लिए, राइट? आपके पास पैसा है, साधन है, सब कुछ है, बट नहीं 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 बच्चा नहीं करना इसके साथ में, बच्चा कर लोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तो हिस्से हो जाएगी, तुम्हारे नाना की जो प्रॉपर्टी जो मुझे मिली है ना उसमें भी हिस्सा हो जाएगा और तुम्हारी दादा की जो प्रॉपर्टी उसमें भी हिस्सा हो जाएगा, तो बच्चा मत करो। प्रॉपर्टी मतलब वो जैसे चेस की चाल कैसे होती है, वो पूरा चाल उन्होंने सेट करके रख के शादी की है पूरा। मुझे ऐसा लग रहा था मैं शतरंज रियल लाइफ में खेल रही हूँ उन लोगों के साथ में, एक एक चीज़ धीरे 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 आ रही है, धीरे धीरे और जब ऐसा हो जाता था मैं बोलती थी प्रवीण इनफ इज़ इनफ, तुमने झूठ बोला है शादी में, आई म्यूचुअल कंसेंट में भाई मेरे को तू जाने दे, जस्ट लेट मी गो, मुझे डिवोर्स दे दो। तो उसकी कभी माँ मेरे पैर पकड़ती थी, कभी माँ कुछ बोलती कि तुम प्रवीण, मतलब एक मारेगा तो दूसरा सहलाएगा, वो स्ट्रैटेजी चल रही थी कि भाई डिवोर्स नहीं फाइल करें, बिकॉज फिर डिवोर्स फाइल होगा तो फिर वो ऑफकोर्स यार लोगों को जवाब देना पड़ता है कि क्यों इतना लेट शादी हुई और फिर क्यों बहू चली गई और ये दूसरी बहू जा रही है। प्रवीण की 2008 में एक ऑलरेडी सगाई टूटी है,
उस लड़की के साथ भी इन लोगों ने यही किया है. शी वॉज एन एक्टर, उसने दो फिल्म की, उसको इंडस्ट्री नहीं समझ में आई, उसने छोड़ दिया. शी वॉज अ क्रू, मतलब एयर हॉस्टेस थी, और जीवन साथी के थ्रू समथिंग दे मेट एंड उसको भी सगाई के बाद में उसको परेशान करना शुरू कर दिया कि हम पैसा लगाते हैं, तुम पायलट बनो और तुम पैसा ला के दो, मम्मी को विधायक बनना है, बहुत पैसा चाहिए विधायक बनने के लिए, तो तुम शादी वादी, ये बच्चा बच्चा क्या है. तो उसने भी मेरी तरह क्लियरली बोल गया था कि भाई मुझे शादी करके मुझे बच्चे चाहिए, यू नो. बट उसको इन लोगों ने क्या किया, इमीजिएटली आफ्टर सगाई दे स्टार्टेड टॉर्चरिंग हर. मेरे साथ ये सतर्क हो गया कि बेटा शादी तो तू करना, फिर हम तेरे को बताते हैं. स्ट्रैटेजी सेम है, लेकिन इस बार उन्होंने, ये चारों ने मोस्टली अपने रंग शादी के बाद दिखाने शुरू किए कि तू कर तो फिर हम तेरे को बताते हैं, फिर तेरा कहाँ, तुम अपनी वैल्यू नहीं जानती हो सुरभि, ये क्या तुम टीवी सीरियल में कर रही हो, तुम देखो, मतलब दे वॉन्टेड समबडी लाइक स्मृति ईरानी एंड रवि किशन एंड मनोज बाजपेयी टाइप्स, यू नो, विच आई रिस्पेक्ट देम, इट्स नॉट ईजी वे दे आर टूडे, मतलब. बट हर एक को नहीं करनी होती ना पॉलिटिक्स, मतलब इंटरेस्ट भी तो होना ही चाहिए. सो ऑल दिस, यू नो, देन वो डिसाइड करेंगे कि मुझे, मेरी सास डिसाइड करेगी मुझे बच्चा कब करना चाहिए, मेरी सास डिसाइड करेगी मुझे कि मुझे एक्टिंग करनी है कि नहीं करनी है, वो डिसाइड करेगी मेरे को कौन से रिलेटिव से रखना है कि नहीं रखना है, वो डिसाइड करेगी कि बिल्डिंग में मैं जाऊँ कि मैं नहीं जाऊँ. मतलब मैं वहाँ हाउस अरेस्ट थी, इसलिए मैं भाग भाग के बॉम्बे आ जाती थी वापस. उसकी बहनें मुझे तंग करे जी, धीरे धीरे उनको पता चल गया, बहनें इनसिक्योर होगी कि अरे बाप रे, ये तो इसको तो सोच के लाए थे ये तो MLA बनेगी तो हमारी बड़े घर में शादी होगी. वेल, आपने तो काफ़ी आपके एंड से कोशिश की है कि आप बचा पाओ ये शादी को, लेकिन कब ऐसा आपको लगा कि अब जो है मैं पूरी तरीके से टूट गई हूँ, अब मैं, मुझे नहीं रहना, अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती. सी, उसकी ना बहनों का भी दिखाई देने लग गया था कि अरे ये पॉलिटिक्स नहीं करेगी, या अपने दोस्तों से पैसे नहीं लाएगी, बड़ा बिजनेस नहीं करेगी, तो हमारी बड़े घर में कहाँ शादी होगी, तो उनका फ्रस्ट्रेशन दिखने लग गया था. लाइक उनको ना टेंशन था, क्योंकि अब तक तो प्रवीण शादी कर, उसकी माँ नहीं कर रही थी, वो नहीं कर रहा था, और उसके पूरे पैसे पे हमारी अय्याशी चल रही है. ओके, दैट वॉज फॉर ग्रांटेड, फादर का पैसा हमारा, माँ का पैसा हमारा, प्रवीण का भी पैसा हमारा. द मोमेंट दे सॉ मी ना, वो लोग, उनको लगा कि अरे यार इसको तो फैमिली करनी है, इसको तो बच्चे करने हैं. अरे दे गॉट वेरी, डॉटर्स गॉट वेरी इनसिक्योर. मतलब ये हाल था प्राइवेसी का कि दोपहर में प्रवीण और मैं कमरे में हैं, अगर कुरियर वाला भी आया तो श्वेता मनीष सिन्हा बोलेगी 24 घंटा उनके घर में सर्वेंट होता है, प्रवीण को रूम से बाहर निकालो, उसको बोलो उसका कुरियर आए रिसीव कर लेगा. ये लेवल का, मतलब दैट्स वाई प्रवीण मुझे टॉर्चर करता था कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा, बिकॉज उसको पता है उसको घर में प्राइवेसी नहीं दे रहे हैं. एंड प्रवीण बोलता था कि मैंने और मम्मी ने श्वेता की शादी नहीं होने दी, तो श्वेता सीधा यही बोलती है कि तूने मेरी शादी नहीं होने दी तो मैं तेरी शादी टिकने नहीं दूंगी. बोथ द सिस्टर्स. तो मतलब आपको सिर्फ हस्बैंड या फिर सास से नहीं, बल्कि पूरे एंटायर फैमिली से प्रेशर मिल रहा था, यू नो, कि मतलब ये ऐसे कैसे बच्चे करेगी यार, मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा आगे कर लेगी, इसको तो लाया गया था कि ये पॉलिटिक्स करेगी या ये बड़े पैसा अपने दोस्तों से लेकर आएगी, बिजनेस शुरू करेगी, बट दे वॉन्टेड टू स्टार्ट बिजनेस ऑन माई नेम. जबकि प्रवीण की माँ, बिकॉज शी वॉज इन महिला आयोग BJP, उनका ये था कि सारी प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो मेरे नाम पे करो, ताकि अगर डिवोर्स तुम्हारा होता है तो तुमको अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे रहेगी, तो तुम्हारे नाम पे कुछ है नहीं, तो तुमको आधा उसमें से बीबी को देना नहीं पड़ेगा. यहाँ तक कि प्रवीण की सैलरी का हर महीने एक मोटा चंक उसकी माँ के अकाउंट में जाता है, कि अपने अकाउंट में पैसे भी मत रखो, तो तुमको डिवोर्स अगर होगा तो तुमको पैसे नहीं देने पड़ेंगे कोर्ट को सिर्फ. बट कोर्ट बेवकूफ़ नहीं ना, कोर्ट ये भी देखेगा कि वो पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है. तो उन्होंने जितना हो सका अपने लेवल पे सारी चीज़ें तैयारी करके रखी हुई थी तीनों, चारों ने. तो क्या लगता है आपको कि अब आप डाइवोर्स जो फाइल कर रहे हो, कितना लंबा ये प्रोसीजर चलेगा, कब तक आपको डाइवोर्स आपके हिसाब से मिलने की? उस दिन प्रवीण ने मुझे बहुत क्लियरली बोला है कि, मतलब मैंने इसको कहा था कि देखो प्रवीण, मुझे समझ में आ गया कि तुमने मुझे शादी में बहुत लेवल पे धोखा दिया है, तो तुम मुझे शांति से डिवोर्स दे दो, ठीक है, मैं कहीं कुछ नहीं बोलूँ, ना पुलिस स्टेशन जाऊँगी, ना कोर्ट जाऊँगी, ना मीडिया, कुछ नहीं. ही सर मैं तो तुमको डिवोर्स दूंगा नहीं, तुमको जो करना है तुम कर लो, मेरी थोड़ी ना 50 साल की उम्र में दोबारा शादी होगी. तो मैंने कहा आप पहले भी तुम्हारी एक सगाई टूटी, एक शादी टूट रही है, तो सर नहीं मैं तो डिवोर्स दूंगा ही नहीं, और तुमको डिवोर्स चाहिए तो तुमको कोर्ट जाना पड़ेगा, तुमको मेंटेनेंस चाहिए तो कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन इतना याद रखना
कि मेंटेनेंस, तुम जैसे ही कोर्ट में मेंटेनेंस अप्लाई करोगी मैं नौकरी छोड़ के बैठ जाऊँगा, तो जब मैं कमाऊँगा नहीं तो फिर मैं तुमको कहाँ से पैसे दूँगा। ये बहुत क्लियरली उसने मुझे बोला है, उसने मुझे बहुत क्लियरली बोला है कि वो 8 से 9 साल कम से कम ये केसेस खींचेगा, वो मुझे इतने आसानी से छोड़ेगा भी नहीं। और मैं अटकी हुई हूँ कि सी इंडिया में कानून है कि जब तक आपका डिवोर्स नहीं हो जाता है ना आप IUI ना IVF ना सरोगेसी ना बच्चा गोद ले सकते हो। तो मेरे ना गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि जो औरतें फाइल कर देती हैं और जिनकी एज मतलब 40 के आसपास है या फिर कोई यंगी भी होगी बट उसको फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या AMH काउंट ब्लॉक है या कुछ भी यूट्रस में TB है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉब्लम है, उसको वो अलाउ करें, जैसे उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया वो अलाउ करें कि वो बच्चा कर सकें। मैं बहुत बुरी तरह से जैक्ट हूँ, एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं वाली हालत है मेरी, मतलब ना हम बच्चा करेंगे ना हम बच्चा करने देंगे। आप इतने सारे चीज़ों में उलझी हो खुद, लेकिन आपको इस तरह स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रहा है, खुद को आप इतना मैनेज कैसे कर रहे हो, खुद को मोटिवेट कैसे कर रहे हो? आई डोंट नो, देयर इज सम डिवाइन पावर वर्किंग विद मी, कुछ तो है भगवान का, मेरी कुलदेवी दुर्गा जी, आई डोंट नो क्या है, मतलब मुझे कुछ तो है जो मैं घर भी संभाल रही हूँ, मैं साथ साथ काम के लिए भी लोगों से मिल रही हूँ, मैं पुलिस स्टेशन भी 3-3 महीना जाके बैठी हूँ, मैं कोर्ट भी जा रही हूँ, मैं लॉयर से भी मिल रही हूँ, मैं आप लोगों से भी मिल रही हूँ, मैं घर भी देख रही हूँ, एक देर सम एनर्जी जो मुझे मेरे साथ में है कि ये भी पार हो जाएगा कोई बात नहीं, बट इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम यू नो। बट मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, ये परिवार को उसके कर्म मिलेंगे, इनकी भी 2 बेटियाँ हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होगा, इनको इनके कर्म मिलेंगे। इन्होंने दूसरी बेटी के साथ इतना घात किया है, खुद को खुद पॉलिटिक्स में कुछ कर नहीं पाए तो दूसरे की घर की लड़की को लेकर आ गए, अपने घर की बेटी को क्यों नहीं डाला, मेरा क्वेश्चन यह था, दोनों घर बैठी थी कुछ करती तो थी नहीं, तो अपनी बेटियों को डालना चाहिए था, तो वाई यू चूज समबडीज एल्सिस डॉटर फॉर दिस। तो जो आप ये लोग जो कर्म कर रहे हैं ये इनको मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। जिस तरीके से अगर वो आपको पैसे भी देते थे या अगर आपसे हिसाब भी लेते थे, आप उनको हर चीज़ के फ़ोटो खींच के भेजते थे, तभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी? हाँ, मैं ऐसा नहीं कि मैंने कई बार विद इन फर्स्ट ईयर, आई थिंक मैंने 2 महीने ही बोल दिया था मैं डिवोर्स फाइल कर रही हूँ, जब मार्च में वो घर आया था इनसे, मेरे पास 1 रुपया नहीं है तुमको देने के लिए, सब कुछ यहाँ से वाइंड अप करो, और मतलब मैंने ये कहा था कि मैं अपना घर किराए पे दे दूँगी, एंड ही सर वो घर खरीद रहा है, तो उस घर से भी मेरे सारा जो भी मेरा जो मेडिक्लेम है या LIC है या मेरा रिटायरमेंट पॉलिसी है, मेरी मॉम का मेडिक्लेम है, सब कुछ उसी से हो जाता था यू नो। बट उसने जानबूझ के ताकि मैं फाइनेंशियली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊँ, मेरा ही घर मुझसे किराए पर लिया, और 2 साल से वो उसका किराया भी नहीं पे कर रहा है, वो घर का किराए का एक्स अमाउंट देता था, उससे उसके बाद में वो मुझे हर महीने के 10,000 या 20,000 देता था, और क्रेडिट कार्ड जो उसने उसका क्लियर डील था कि जिस महीने तुम मेरे साथ ट्रैवल करोगी मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा और क्रेडिट कार्ड, जिसका OTP भी उसके पास आता था, और जिस महीने मैं ट्रैवल नहीं करूँगी 20,000 देगा मुझे, वो बॉम्बे लोखंड वाला में, और मैं तो 3 महीने में आ रहा हूँ ना, तो अभी तो बहुत प्रॉब्लम है ना सुरभि, अभी तो मैं सस्पेंड भी हूँ और श्वेता में इतने पैसे लग गए हैं, वो 10 महीना चली गई फिलीपींस उसका कोर्स में, शादी भी हमने इतनी बड़ी की है, रिसेप्शन भी इतना बड़ा हुआ, तो मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, तो बस 3 महीने की बात है, 10-20 हज़ार चला लो, ऐसे ऐसे करके उसने 1 साल निकाला है, अभी तो उसने देखा ना वो चला ले रही है ये, बट मेरे पास उस वक्त कन्यादान के भी पैसे थे जो एनुलप में जो आते हैं, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे पास में, और प्लस पहले के भी सेविंग्स थे, तो मैं वो ही सब यूज़ कर करके मैं चला रही थी, मतलब उसका तो इतना पैसा आता था, मैं बाकी सब चीज़ से घर आई वॉज मैनेजिंग समहाउ, बट देन आपको पता चल गया इवेंचुअली कि आपको फाइनेंशियली बैग तोड़ा जा रहा है, और बस ताकि मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊँ, फिर वो उसकी माँ बहनें जैसे चाहें मुझे वैसे नचाएंगी। आपने तो वो वक्त आने नहीं दिया कि आप उनके ऊपर डिपेंड हो पाए, उसके पहले ही आप निकल गए, लेकिन अभी भी आप जब हो, मतलब अब आप कैसे लाइक काम भी देख रहे हो, आपने कहा कि आप जो है ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों में अब आपका जो पैसे की बात करो फाइनेंशियली की, तो अब आपको कहाँ से बैकिंग मिल रही है, या फिर अब आप किस तरीके से खुद का गुजारा कर रहे हो? नहीं सी आई एम सेलिंग माई ज्वेलरी राइट नाउ टू सर्वाइव,
गया और मैं काम बहुत जल्दी लूँगी, वो उस लेवल पे ले आया। सितंबर की, लास्ट सितंबर की बात है, जब पता चला कि मेरा लीवर डैमेज होने पे बिकॉज ऑफ माय वेट और मैं प्री डायबिटिक हो गई हूँ, तो तब 43,000 रुपीज़ का कुछ मेरा मेडिकल का एक्सपेंस आया था, जिसमें कुछ अमाउंट उसने दिया था और बाकी उसने अमाउंट नहीं दिया था। एंड ही रिफ्यूज़, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो फिर मैंने फिर ज्वेलरी बेचा तब अपना। सो दिस इज़ हाउ मैं कर रही हूँ, बट आई एम श्योर बहुत जल्दी मैं इस सब चीज़ से भी बाहर निकल जाऊँगी। और जैसे कि वेल अभी आपने कहा कि आपको जब पता चला आप बीमार थे, तो ऐसे में भी उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया? नहीं, नथिंग, कोई नहीं, कुछ नहीं। जबकि प्रवीण के पापा हॉस्पिटल में थे, मैं बालाजी के दो शोज छोड़ के एक एक महीना हॉस्पिटल जाती थी, वहाँ रात रात को मैं भी रुकी उन लोगों के साथ में, मैं घर भी देख रही थी, सबके टिफिन्स बनाना, दो बार मेरे ससुर को जाके हॉस्पिटल में देख कर आना, सब किया। प्रवीण की मॉम को पैर में स्वेलिंग हो जाती है, मैं हर दिन उनको पैर में यहाँ यहाँ तक गर्म पानी के टॉवल से उसको सेक देती थी, एक एक घंटा मैंने वो भी किया उनके लिए। बट जब मुझे प्रॉब्लम हुई तो उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है ये सब चीज़ से। तू हम जो बोल रहे हैं वो तू कर नहीं रही, तो तू हमारे किसी लायक नहीं है फिर तो। और वो चाहती है प्रवीण की माँ कि या तो मैं मर जाऊँ, सुसाइड कर लूँ, तो मेरा सब कुछ उनका हो जाएगा, या फिर इसको इतना टॉर्चर करो कि ये डिवोर्स फाइल करे ताकि हमको एलिमनी नहीं देना पड़े, मर जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए, या तो वो ज़्यादा उनके लिए अच्छा है। तो उन्होंने सब शाम दाम दंड भेद किया इसके लिए। बट मैं बोल रही ना, मेरे को कोई तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन बैकिंग है, जो मैंने मतलब मैं एज पे थी कि मैं कर लूँ, एंड पता नहीं क्या चीज़ थी जिसने मुझे एंड टाइम पे रोक दिया। अच्छा, आज किया नहीं, आज ये चीज़ आप सामने आके बात कर रहे हो। एंड जिस तरीके से मैं बोलूँ, लोग शादी को एक पवित्र बंधन मानते हैं, सो कहते हैं कि पार्टनर रहते हैं लाइफ लॉन्ग होता है, लेकिन आपके साथ शादी के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है कि लाइक जो इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता, इनफैक्ट आपने भी नहीं सोचा होगा। एक एज के बाद आकर आपने इतना लेट शादी किया और उसके बाद लाइफ जिस तरीके से आपकी टर्न हुई है, लाइक क्या क्या कहना है इस पर? मुझे लगता है इंडिया में ना हम वो सनातन धर्म की बात करते हैं, हम ये सब बात करते हैं, बट व्हेन यू मीट सच फैमिली ना, ऐसा लगता है कि ना हमें प्री नेचुरल करके शादी करनी चाहिए, सब चीज़ राइटिंग में लिख के लो, यू नो। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आप बोलते हो एक मुस्लिम लड़का जब एक हिंदू लड़की को धोखा देता है तो वो लव जिहाद होता है, तो उसके लिए कानून क्यों नहीं है? जब एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की को धोखा देता है तो फिर ये लव जिहाद नहीं हुआ क्या? इसके लिए क्यों नहीं कानून है? बहुत बड़े लेवल पे धोखा दिया है प्रवीण ने मुझे, तो इसके लिए कानून क्यों नहीं है? और हमारा संस्कृति नहीं है जहाँ पे हम सब चीज़ राइटिंग में, शादी के पहले कि तुम मुझे मायके जाने दोगे, मेरे नाना मामा के अर्थी पे जाने दोगे, तुम मेरे कन्यादान दोस्तों की शादी के लिए पैसे दोगे, कन्यादान के लिए पैसे दोगे, मेरे मेडिकल का, मतलब अब क्या हम लोग ये सब राइटिंग में लिख के शादी करें? प्रवीण मुझसे कहता है कि मैंने तुम्हें राइटिंग में कहीं लिख के नहीं दिया है कि मैं बॉम्बे शिफ्ट होऊंगा, तो मैंने तो विश्वास करके तुम पे शादी की थी, यू नो। तो अब मुझे लग रहा है कि हमको अब या तो भैया फ़ोन रिकॉर्डिंग लो लोगों की, या व्हाट्सअप लो क्योंकि कोर्ट में एडमिसिबल है, या फिर आप प्री नेपचुअल करके शादी करो। अगर इस तरह का ये सनातन धर्म, इसकी माँ छठ पूजा करती है और सनातन धर्म फॉलो करती है, तो सनातन धर्म में ये कहाँ से आ गया फिर? तो फिर अब आई थिंक लेट्स बी प्रैक्टिकल नाउ, लेट्स सब कुछ लिखित में लो और फिर शादी करो, ऑप्शन नहीं है। आप तो काफ़ी स्ट्रांग हो जो इतना सब चीज़ आप मैनेज कर रहे हो सिंगल हैंडेडली, वो भी हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। एंड इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि एक वो भी चीज़ आती है, एक पॉइंट हो जाता है लाइक जब आप सब चीज़ मैनेज करते हो, लेकिन एक इमोशनली बैकअप आ जाता है। इंडस्ट्री के दोस्त, उन्होंने बहुत हेल्प की, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स आर विथ मी, माई स्कूल टीचर्स, माई कॉलेज टीचर्स, कॉलेज फ्रेंड्स, यू नो, मेरी बिल्डिंग के दोस्त, माई राखी ब्रदर्स, मेरी लॉयर वेदिका, वो तो मतलब अगर वो नहीं होती तो पता नहीं मैं तो कब, भगवान जाने कौन से साल में एक केस फाइल होता था, यू नो। बट माय लॉयर इज़ आल्सो सच स्वीट हार्ट, यू नो, शी इज़ लाइक यू, तुम अपने केस का सारा स्ट्रेस मुझे दे दो, यू फोकस ऑन योर हेल्थ, यू फोकस ऑन योर करियर। मतलब आज भी मुझसे पहले मेरी लॉयर की असिस्टेंट कोर्ट पहुंच गई थी, दे आर सो सीरियस अबाउट माई थिंग। तो अगर ये लोग नहीं होते ना तो मैं तो culti.com हो गई होती कब का। वेल इसके अलावा काफ़ी कुछ हो रहा है, और नेक्स्ट ईयरिंग की बात करूँ तो कब और क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो आएंगे? हमें ना अगस्त में डेट नहीं मिला, जैसे आज भी कोई नहीं आया वहाँ से, और
और हमें अगस्त में डेट ही नहीं मिला है बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस के इतने केसेस आ रहे हैं ना कोर्ट में, तो कोर्ट इज़ फ्लडेड एक्चुअली। तो हमें 29 सितंबर डेट मिला है अभी इसकी स्ट्रेट अवे अनफॉर्चुनेटली, तो एक ऑलमोस्ट लाइक 2 महीने के बाद का ही डेट है। तो लेट्स सी क्या होता है, लेट्स बी भगवान इस परिवार को सद्बुद्धि आ जाए और ये मुझे शांति से छोड़ दें। मैं सिर्फ मतलब मेरे हिसाब से तो इनको साइकाइट्रिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है बहुत बड़े लेवल पे, बट पता नहीं कहीं से शायद इनको सद्बुद्धि आ जाए, मुझे शांति से छोड़ दें। नहीं प्रे कर, लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, लोग काफ़ी आपको जो है आपके लिए उनके लिए दिल में काफ़ी प्यार है, वो आपको दोबारा टीवी पे देखना चाहते हैं, आप वापस काम करो, ये सब लोग आपके लिए प्रे कर रहे हैं। वेल उनका जिस तरीके से उस ऑडियंस का सपोर्ट आपको मिल रहा है, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं थैंक यू, मैं ना आप सब लोगों के मैसेजेस पढ़ रही हूँ मैं, और 0.1% नेगेटिव है, और वो भी नेगेटिव नहीं है एक्चुअली, वो लोग जानते नहीं हैं तो इसके वजह से कि इतने साल काम किया तो फिर पैसे कहाँ गए, और यू नो आपने इतना क्यों टाइम लगाया, और बहुत वेरियस है, और मैं बहुत जल्दी उस पर सारे जो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट और रिकरिंग क्वेश्चंस हैं उनका मैं बहुत जल्द जवाब दूंगी। तो आप लोगों को एक इंडिविजुअली व्हेन यू आंसर देम ना आपको समझ में आएगा कि क्या रीज़न है क्या है, और पीपल आर नॉट कंसिडरिंग कि कोविड में भी बिल्डिंग में भी मेड को तो ऊपर आने नहीं दे रहे थे, तो मेरा प्रिंटर कहाँ से ऊपर आता था, सो ऑल दैट यू नो या। तो मैं बहुत जल्द करूँगी वो, मैं आई जितना हो सकेगा उतने लोगों का क्वेश्चन का जवाब दूंगी मैं, और बहुत जल्द होगा ये। बट अभी क्या है, मैं अकेले आई एम रनिंग फॉर माय कोर्ट, आई एम रनिंग टू पुलिस स्टेशन यू नो, तो प्लस बीच बीच में शोज के लिए मीटिंग्स भी होती रहती है, तो बट सून आई विल डू इट, मैं जल्द करूँगी। एंड इसके अलावा इतना क्या आपको लगा था प्यार मिलेगा आपको, इतने 3 साल के गैप के बाद भी लोग इतना आपको सपोर्ट और प्यार? आई डिडंट एक्सपेक्ट टू बी वेरी फ्रैंक, आई डिन एक्सपेक्ट बिकॉज सी मुझे पता तो था कि ये न्यूज़ तो ब्रेक होगी होगी, बट मुझे लगा कि हाँ जिसे नॉर्मल होता है इंडस्ट्री में वैसे कुछ होगा, बट ऐसे मिलियंस ऑफ व्यूज़ एंड सो मैनी कमेंट्स एंड सो मैनी शेयर्स एंड लाइक्स, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, और बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने कि मतलब मुझे लगा मैंने तो 3 साल काम नहीं किया यार, लोग भूल तो नहीं होंगे मुझे, बट देन मीडिया ओनली सेड कि आप ये भूल रहे हैं कि आपको 29 ईयर्स हो गए इंडस्ट्री में, यू हैव वर्कड अ लॉट यू नो, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर सपोर्ट, मतलब ट्रस्ट मी आपका सपोर्ट मेरे केस को बहुत स्ट्रांग बना रहा है। हम चाहते हैं कि आज जल्दी थ्रोटी, आई एम सॉरी आई एम सो इमोशनल राइट नाउ, एंड थैंक यू थैंक्स, मैं तब बोल नहीं पा रही हूँ मैं, बट सीरियसली थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। देखो जो सही होता है उसके साथ सब होता है, सब खड़े होते हैं, जो इंसान खुद के लिए स्टैंड लेता है भगवान भी उसके लिए लेता है। हाँ मुझे यही लगता है यू नो कि देखिए सब आपको यही समझाएंगे कि अरे ये मत करो, शादी है तोड़ो मत यू नो ऑल दैट, बट जब एयरपोर्ट में मेरी बेइज्जती प्रवीण कर रहा था तो वो मेरी बेइज्जती हो रही थी, वो किसी और की बेइज्जती नहीं कर रहा था, वो उसकी बहनों ने जब मुझे घर से बाहर निकाला तो घर के नौकर के सामने, हीरा लाल मेडिकल अटेंडेंट था, मेरे ससुर थे वहाँ पे, वो उठ के चले गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला यू नो, तो वो मेरी बेइज्जती हो रही थी, वो किसी और की नहीं हो रही थी। उसकी माँ जब बोलती थी तेरी घर की चाबी तेरी माँ के पास कैसे हैं, या तेरी माँ के पास कैसे कितने जेवर हैं, या तुझे तो फास्टिंग करनी पड़ेगी, तुझे तो छठ करना ही पड़ेगा जो कि 36 घंटे का निर्जला व्रत है, तो वो मैं भोग रही थी, वो कोई और नहीं भोग रहा था। तो आपको आपके लिए लड़ना पड़ेगा, लोग तो बोलेंगे होता है यार सास है इंडिया में ऐसे ही होता है, एडजस्ट कर लो एडजस्ट कर लो, बट वो आप है जिसको भूखे मार रहे होते हैं वो, क्योंकि उनको आपको टॉर्चर करना है। या तो आप पैसे कमा के दो तो मेरी सास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैंने छठ किया या नहीं किया यू नो, बट बिकॉज नहीं कर रही थी मैं इसकी वजह से, वैसे नहीं ओपनली बोल पा रही थी तो वैसे टॉर्चर कर रही थी। तो वो आप है भोग रहे हो, और प्लीज़ किसी का मत सुनो, जितने भी लोग हैं वो गोइंग थ्रू सेम शिट लाइक मी, स्पीक अप ओपन अप यू नो, और प्लीज़ मतलब आप अंदर घुट घुट के रहने से तो बेटर है कि एक बार बोल दो और निकल जाओ शादी से, दैट्स द बेस्ट थिंग। आपकी एडवाइस डेफिनेटली लोग लेंगे, वो भी समझेंगे, हमसे बात करने के लिए अपना वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जल्द से केस आपका जो है ख़त्म हो, सब यही दुआ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम।